बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों एक दफा एक टिकट कलेक्टर एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया और सभी की टिकटें चेक करने लगा। पहले शख्स की टिकट चेक की, अरे भाई तुम तो गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, ये तो तुम्हारी ट्रेन है ही नहीं, चलो जल्दी से नीचे उतरो। दूसरे शख्स की टिकट चेक की, अरे भाई तुम भी गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, क्या हो गया है तुम लोगों को, चलो जाके सही ट्रेन पकड़ो। तीसरे शख्स की टिकट चेक की तो तीसरे इंसान की टिकट भी गलत निकली। चौथे इंसान की, पांचवें की, छठे की, सभी की टिकट गलत। भला ये कैसे हो सकता है? अरे भाई असल में वो टीटी ही गलत ट्रेन पे चढ़ गया था। बिल्कुल इसी तरह जब कोई इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो उसे बाकी सब लोगों की बातें गलत लगने लगती हैं। आज की जनरेशन भी ज्यादातर इसी ट्रैक पर पड़ी हुई है। हमारी यंग जनरेशन बुरी आदतों और बुरे कामों में लगी हुई है जो कि वक्त के ज़िया के सिवा कुछ भी नहीं। और जब जिंदगी जाया हो जाती है तो तब होश आता है कि दरअसल हम ही गलत ट्रेन पर चढ़ गए थे। माँ बाप, बड़े बहन भाई हमें रोकते हैं, हमें टोकते हैं, हमें नसीहतें करते हैं कि बुरे दोस्तों में मत बैठो, बुरी चीज़ों से दूर रहो, बुरी आदतों को छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, ये ना करो, वो ना करो। वो बिल्कुल हमें ठीक समझाते हैं मगर हम यही रट लगाए हुए होते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, तुम सब लोग गलत ट्रेन पर चढ़ गए हो। याद रखो जैसे जैसे आप वक्त ज़ाया करते जाते हो वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी ज़ाया होती चली जाती है। वक्त बहुत कीमती चीज़ है मेरे दोस्त, इसे अपना बना लिया तो ये आपकी कीमत को दुगना कर देगा और अगर इसे जाया कर दिया तो ये आपकी कीमत को गिरा देगा। इसलिए मेहनत करो, जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो और कुछ बनकर दिखाओ। और इस बात को याद रखो कि कुदरत कभी भी आपकी मेहनत का एक भी जर्रा जाया नहीं होने देती। याद रखो कि जिंदगी दोस्तों से पहचानी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। तो अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़ी बड़ी बातें भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी। कामयाब होने के लिए आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बुरा वक्त भी देखना पड़ेगा, लोगों का मजाक भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर तुम आज मेहनत करते रहे और अपने ख्वाबों को पूरा करने में लगे रहे तो आज जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं कल को वही लोग अपने ऊपर शर्मिंदा होंगे। एक इंसान का असली रंग तभी देखा जा सकता है जब आप उसके लिए किसी काम के नहीं रहते। इसलिए मेहनत करो अपने ऊपर, अपने मकसद के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर। मेरे दोस्त जितना भी निखार सकते हो खुद को निखारने की कोशिश करते रहो, तराशने की कोशिश करते रहो, खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहो। अगर आप वक्त के साथ साथ मेहनत करते रहे, खुद को बेहतर साबित करने में लगे रहे, तब आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।